25,000 साल पुरानी सड़क, 18,000 साल पहले पुराना वाला दरख्त, 40,000 साल पहले का फिल्टर। साले कितना क्यूट हो गया है तू। And welcome to the way, my friends. You're in this world and do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. खुदा तू बोल दे तेरे बादलों से, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। तो आज मेरे पास बनाने के लिए कुछ खास है नहीं, सोचा आज फजूल चीज़ों में से खास चीज़ आपको दिखाता चलूं। वाह! तो आज मैं व्लॉग बनाने लगा हूं अपने एक्सरसाइज के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि मैं एक्सरसाइज कैसे करता हूँ मॉर्निंग्स में। अच्छा, हमको सिखा रहा है? वैसे मैं राउटीनली नहीं करता, लेकिन 5 से 6 महीने बाद 1 महीने के लिए हार्ड एक्सरसाइज प्लस कार्डियो करता हूँ। लाइक हर 4 से 5 महीने बाद। मैं फूडी, बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा खुराक खाता हूँ, कुछ भी खा लेता हूँ। तो और काम मेरा बैठने का है, तो 4 से 5 महीनों में मेरा वज़न तकरीबन 6 से 8 kg तक बढ़ जाता है। उसके बाद फिर 1 महीने में वो घटाना होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं कामयाब भी हो जाता हूँ। So let's see how I do it. से ब्यूटीफुल फ्लावर्स की खुशबू सूंघ लेता हूँ। यहाँ पे मोस्टली कैट्स आती हैं, बिल्लियाँ, तो आई लव कैट्स। तो मैं बिल्लियों से बेहद मोहब्बत करता हूँ, मतलब दुनिया में मेरे लिए कोई क्यूटेस्ट ऑर्गेनिज्म है तो वो है कैट, आई लव कैट्स। तो यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, और हर सुबह मैं उनसे थोड़ा बहुत प्यार कर लेता हूँ, गोद में बिठा के, और चुमियाँ मुमियाँ एक दूसरे को ले देखें, उसके बाद फिर व्लॉगिंग, सॉरी उसके बाद फिर एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ आई स्टार्ट। सबसे पहले मैं रनिंग करता हूँ तकरीबन 2 किलोमीटर तक, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि बुरी तरह थक गया हूँ और पसीना बहा चुका हूँ। तो उसके बाद फिर बारी आती है एक्सरसाइज की, तो थोड़ी सी रनिंग, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज़ मैं रनिंग करके आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। सो सेट स्टैंड करेंगे, ये शुरू शुरू में आपको लगेगा कि सिर्फ 10 से 15 में ही आप थक जाएंगे, अदरवाइज़ जब आपकी राउटीनली एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी तो फिर आप 100 तक कर सकेंगे। इससे पूरी बॉडी में पेन होती है और ये फ़ायदेमंद है। सेकेंड नंबर पे बारी आती है कमर की एक्सरसाइज की, इससे भी आपका बेली फैट काफ़ी हद तक लॉस होता है। इससे यहाँ, ये राइट हियर, यहाँ पे आपको पेन होने लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि बेली आपका श्रिंक हो रहा है, लाइक उस पर जोर पड़ रही है, उसको फोर्स मिल रहा है। तो इसकी वजह से जब पेन होनी स्टार्ट हो जाती है तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हाँ आप सही कर रहे हैं और बेली फैट आपका बर्न हो रहा है। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज भी लेफ़्ट राइट ऐसे ऐसे करके आप अपना बेली फैट और जो आपकी कमर है वो पतली हो जाती है, बिल्कुल लड़कियों की कमर की तरह। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे मतलब एक्सरसाइज में आपने एक बात ज़रूर नोट करनी है कि जिस चीज़ से आपको पेन मिल रही होती है तो मतलब आप यूज़फुल वर्क कर रहे हो। लाइक हर जिम में आपने नोट किया होगा, वहाँ पर लिखा होता है कि नो पेन नो गेन। अच्छा, आप लोगों ने यह बात नोट कर लेनी है कि बीच बीच में मैं जो कलाबाजियाँ मार रहा हूँ तो ये मेरे अपने लिए है, मैं वैसे ही मस्ती कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये आप भी करो। तो अब आती है बारी हार्ड एक्सरसाइज की, जिसके लिए अच्छे अच्छे हार मान लेते हैं कि भाई सारा कुछ कर लेंगे, बस ये नहीं होगा हमसे, क्योंकि ये करते हुए आप महसूस करेंगे कि आपके पेट पर छुरियाँ चल रही है, छुरियाँ। सो अब मुझे जाना है मेरे फेवरेट प्लेस पे, बेंच पे, जहाँ पे मैं
कार्डियो करता हूँ और टफ स्टेप्स आने वाले हैं, सो नो मिस द एंड। लुक एट द वेदर यार, इतना खूबसूरत मौसम हो जाएगा आज, आई कुडंट बिलीव इट। और थोड़ी देर पहले थोड़ी सी तेज़ हो गई बारिश, तो मुझे लगा वी हैड टू गो, लेकिन उसके बाद वापस थम गई। अब बारीक बारीक सी बूंदे मेरे दिल के ऊपर आके मेरे दिल को भा जाती है। वाह 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 वाह, वेलकम टू दुबई माय फ्रेंड्स। हाँ तो कहाँ था मैं, ओ वाह, हवा भी चलनी शुरू हो गई है, ठंडी ठंडी, इट्स लाइक इन्जॉयमेंट होती है सुबह के टाइम। आदत बना ले, आदत अपनी एक रूटीन बना ले हर सुबह डेली वॉक पे जाने की, कसम खुदा की ज़िंदगी खूबसूरत लगने लग जाएगी आपको। आई बेट यू कैन डू इट। अब करेंगे पुशअप्स, और पुशअप्स से क्या होता है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, इससे चेस्ट बाहर को निकलता है। अब आती है बारी हाफ उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए जो बेली फेट के लिए है, और मैंने हाफ ग्राउंड पे कर ली थी, हाफ यहाँ बेंच के लिए छोड़ दी थी क्योंकि वहाँ ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं थी, सो यहाँ पे करते हैं। अच्छा सबसे ज़रूरी बात, ये मुझे आप देख रहे हैं यहाँ, मैं ऐसे ही लेटा हुआ हूँ लेकिन मैं बेली फेट को स्ट्रेच कर रहा हूँ, अपनी बेली को स्ट्रेच कर रहा हूँ अपने हाथों को बांध के और लेग्स को स्ट्रेट करके, ताकि बेली पे फोर्स आए और पेन हो मुझे, तो पेन की वजह से ऑब्वियसली फेट लॉस होगा। और अब सबसे मुश्किल वाला काम ये होता है भाई, पूरी बॉडी की फोर्स लगा के आपने ये वाली स्टेप करनी है, और कम से कम रोज़ाना कम से कम 20 स्टेप्स तो होने चाहिए, अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस्ड हैं तो फिर आप 50-60 तक ले जा सकते हैं। इसके करने से आप बिल्कुल इस टाइम ऐसे फील कर रहे होते हैं जैसे कि आपके पेट पे छुरियाँ चल रही हो, और बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है करने में, क्योंकि दोनों तरफा से आपका पेट ना बंद कोई खींच रहा होता है, लाइक ऐसे लगता है। इसके बाद फिर एक और स्टेप है जिससे आपने कुछ भी नहीं करना होता, बस अपने दोनों एल्बोज अपने चेस्ट के नीचे ला के पुशअप्स की पोजीशन में जस्ट ऐसे ही तकरीबन 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक स्टे करना होता है। इससे भी आपकी पूरी बॉडी को पेन हो रही होती है, और इससे आपके थाइस भी स्ट्रांग हो जाते हैं। बेली फेट की खैर तो बात ही छोड़े, क्योंकि वो उसके लिए है ही, वो भी रिमूव हो जाता है, और साथ में आपके एल्बोज मसल्स और बैक सब कुछ स्ट्रांग हो जाता है। ये भी आप जब शुरू शुरू में करेंगे तो मैक्सिमम 22-25 सेकंड्स के लिए ही कर पाएंगे, उसके बाद जब आपको आदत पड़ जाएगी तो धीरे धीरे 1 मिनट तक, और उसके बाद 2-3 फिर 5 मिनट तक भी आप ऐसे कर सकते हैं। ऑलराइट सो मेरा तो हो गया, बहुत थकाती है ये एक्सरसाइज ब्रो। Time to build some muscles, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Just kidding. तो ऐसे करना है, like ज़्यादा नीचे तक नहीं जाना, जो मसल का वो पेन है वो उसको नहीं मिल पाता, तो जो स्ट्रेचिंग है वो यहाँ तक होनी चाहिए बस, ताकि यहाँ तक आ सके, और इसके डाउन होने के पहले पहले आप वापस ऊपर खींच लें तो मसल में पेन स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्ट्रेचिंग ज़्यादा आती है। सो दैट्स हाउ वी डू इट। एटलीस्ट हर सुबह 50 डंबल्स आप एक कर लें, एक हैंड के और 50 दूसरे हैंड पे, तो आपके मसल्स बढ़ सकते हैं अगर आपका खुराक अच्छा हो तो, अदरवाइज़ आप स्ट्रांग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 1 महीने में अर्नोल्ड बन जाओगे। हाथ में डंबल और सुहाना मौसम, जस्ट अमेजिंग, जस्ट फैबुलस, मज़ा आ रहा है यार, मतलब इट्स लाइक हेवन। हाय गाइस, सो नाउ आई एम गोना टीच यू वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि दिखने में बहुत ही आसान है और इसका फ़ायदा बहुत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने बेंच पे आपको दिखाया कि ऐसे करके आप पुशअप स्टाइल में जस्ट ऐसे पोजीशन में आ जाए, इससे आपकी पूरी जो बॉडी की फेट है, लाइक यहाँ मसल्स, रिंग्स, बेली फेट, और स्पेशली यहाँ थाइस की, इन सारी प्लेसेस की आपकी, इन सारी जगहों का आपका फेट बर्न हो सकता है।
सेकेंडली जो अब दिखाने लगा हूँ वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे? आमतौर पे जो हमारे बच्चे जो स्किपर्स होते हैं वो रस्सी लेके ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। तो ज़रूरी नहीं कि आप रस्सी के साथ करो, वैसे ही करो। पूरी बॉडी को जंपिंग मिल रही होती है, लाइक पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। तो ऑब्वियसली अब जैसे मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरा जो फेट पहली फेट है ना वो ऐसे ऐसे हो रहा है, क्रॉक करी। अंदर पता नहीं कौन कोई सुनामी आई हुई है। तो इस तरह अगर आप करेंगे 3 से 4 मिनट तक, ये जंपिंग आपने गिननी नहीं है कि भाई कि 1 2 3, 3 से 4 मिनट तक आपने करनी है और पूरी बॉडी आपकी स्लिम हो जाएगी इंशाल्लाह 1 महीने तक करने में। क्योंकि डेली राउटिंग डेली बेसिस पे मैं करता हूँ, वो सारा आपको आज मैंने दिखा दिया। तो 10 आवर्स स्टे फिट। बोले पहल में अगर आप करते हैं तो उसके लिए वेट हाथ में उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया तो आई एम यूज्ड टू इट, तो मैं हाथ में वेट लेके करूँगा। ये भी बेली फेट पे बड़ा असर दिखाती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये वाला स्टेप जब आप करने लगे, इसके लिए आपने टांगे ऐसे सीधी रखनी है, मतलब टांगे स्ट्रेच नहीं करनी है। स्ट्रेच करती है ना, जब आप लेग्स स्ट्रेच कर लेते हैं ऐसे, तो फिर आपकी बेली पे वज़न नहीं पड़ता, उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचती। और आपने एक्सरसाइज में ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद को तकलीफ़ देंगे उतनी ज़्यादा आप फेट बर्न करेंगे। तो आपने टांगे ऐसे सीधी रखनी है, और जब आप ऐसे करते हैं तो जो बेली फेट है वो ऐसे बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है। लाइक आप दोनों हाथों में कोई गुब्बारा ले उसको और ऐसे करें ना तो वो फट जाएगा। गुब्बारा क्यों फट जाएगा? क्योंकि उस पर हाई फोर्स अप्लाई हो जाती है, एंड दैट्स हाउ वी यूज टू डू विद द बेली। तो स्टमक पे आपका काफ़ी ज़्यादा वेट आ जाता है, लाइक आपकी पूरी बॉडी का, आपके लेग्स और आपके चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच जो आपका बेली है वो श्रिंक हो जाता है ऐसे। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा पेन भी मिलती है, और जैसे ही आपको पेन मिलने लगे दैट्स व्हाट योर गोल इज, तब आपको एहसास हो जाना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं। गेट ऑन द फ्लोर भाई। वह कायदे आज़म चाचा फरमाया करते थे, काम काम और सिर्फ काम। लुक एट दिस बर्ड्स मैन, हाउ क्यूट दे लुक, सो क्यूट। वाह So, taking care of my health with the beauty of nature. साले कितना क्यूट हो गया है तू। Alright guys, so today's vlog ends here. Hope आपको आज का vlog अच्छा लगा हो, ये सब आपके फायदे के लिए ही था। और मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट एक व्लॉग बन जाना चाहिए आज, और मौसम को थोड़ा सा कवर कर सकूं। एनीवेज, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। आउट, गेट आउट ऑफ माय पार्क, आउट।
The mysterious and oldest tree in the history of the world, जिसकी कोई हकीकत नहीं है. Dustbin. Please subscribe my channel. Thank you.